की बहुत ही खास ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ कि जो आपके बालों के रोम क्षेत्र में जा करके ना सारे बालों को जगा देंगे, हिला देंगे और लंबे होने पे, काले होने पे मजबूर कर देंगे। एक फ्राई पैन ले लीजिए, उसमें लेना है आपको, पहली चीज लेनी है मेथी। बालों का जिक्र आए और मेथी का नाम ना आए भैया, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। मेथी आपके बालों के लिए वरदान का काम कर सकती है और करती ही है, ठीक है। दूसरी चीज आपको लेना होगा सरसों, मस्टर्ड सीड। ये जानते पुराने जमाने से सरसों ऐसी चीज है दोस्तों कि आपके बालों को जो जड़ है ना, जड़ों को मजबूत करने का काम करता है सरसों। इतना मतलब ये पुराने जमाने के लोग अब नारियल तेल सिर्फ नारियल तेल पे ही रह गए हैं, ठीक है। नारियल तेल अच्छी चीज़ होती है, लेकिन सरसों एक ऐसी चीज़ है, छोटे छोटे बच्चों को भी सरसों का तेल लगाइए और जो है इसका जो है पैक बनाइए, लगाइए। ये आपके बालों को जड़ से मजबूत करेंगे, एकदम बाहुबली बनाएंगे सरसों। इतना ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, लेकिन जल्दी इसे किसी भी चीज़ में मैं यूज करते नहीं देखती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी बाल लंबे करने के लिए और बाल काले करने के लिए। दो चीज़ें हो गई हैं, तीसरी चीज़ इसमें क्या जाने वाली है दोस्तों, कलौंजी, जो कि गंजे सर पे भी बाल उगा देती है ये कहा जाता है और बिल्कुल सच है। इसमें कम से कम 15 तरीके का तेल होता है इसके ऊपर, ठीक है। इसका उबाल के पानी लगाइए, इसको भिगो करके खाइए एक चम्मच। कलौंजी मेथी का पाउडर बनाइए, उसको सुबह शाम दो दो चम्मच खाइए, आप अपने बाल देखेंगे ना हैरान रह जाएंगे आप, जरूर अच्छी ग्रोथ होगी। मैं यही करती हूँ, लगाती तो हूँ पर खाती भी हूँ। 4 से 5 लौंग लेना है। लौंग का काम है कि आपके बालों में जब जाएगा ना तो ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा, एक पक्का कलर देता है। जैसे मेहंदी हाथों में लगाए और तो इसमें लौंग का जो है ना धुआं दिया जाता है तो मेहंदी का कलर पक्का हो जाता है, उसी तरह से लौंग का पानी, लौंग का कोई भी चीज़, लौंग 4 से 5 जरूर डाल दिया करें। यह सोते हुए बालों का जगाने का काम करता है। अब इसमें जाएगी करी पत्ता, एक मुट्ठी करी पत्ता लीजिएगा। करी पत्ता में इतने तरीके के मतलब होते हैं विटामिन कि मतलब आपके बालों के लिए लंबे करने के लिए, घने करने के लिए, डैंड्रफ के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा पोषण देगा, अच्छा खाद देगा, अच्छा टॉनिक देता है करी पत्ता। इतना गजब का काम करता है आपके बालों के लिए। इसको खाया भी करिए, इसको भून करके रख लीजिए, इसका पाउडर बना के खाया करें, कलौंजी मेथी में मिला के इसका पाउडर भी बनाइए, ठीक है। अब मैं लूँगी सीकाकाई। सीकाकाई पुराने ज़माने का है कि सीकाकाई से बाल बढ़ते हैं, मतलब सीकाकाई सिर्फ एक ही काम करता है, वो बाल को लंबा करने का काम उसका होता है सीकाकाई का, ठीक है। तो ये आज की बात नहीं है, रीठा काम करता है झाग देने का, आंवला बाल काला करने का, लेकिन सीकाकाई लंबा करने के लिए। तो सीकाकाई का पाउडर आप बना के रखें, उसको किसी चीज़ पानी वानी में मिला के लगाया करें, इसका किसी तरह से मतलब यूज किया करें। जिनको लंबे बाल करने का शौक है सीकाकाई का यूज वो जरूर करें। अब ये 5 चीज़ें हो गई हैं दोस्तों। अब इसको धीमी आंच पे थोड़ा, ये बहुत मोटा बर्तन है, थोड़ा सा मोटा बर्तन लीजिएगा, धीमी धीमी आंच पे इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा और जो है इसको धीमे धीमे भूंजिएगा। अब दोस्तों देखिए, इसमें सीकाकाई और लौंग अगर हटा देते हैं, सीकाकाई लौंग अगर हटा देते हैं, सरसों को भी हटा दीजिए, तो ये आपको खाने के लिए भी पाउडर बहुत अच्छा है। अगर सरसों नहीं होगा तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे सीड होते हैं ना सारे सीड्स, जैसे कि वो चिया सीड है, अलसी है, कद्दू का बीज है, पंपकिन सीड है, वो खरबूजे का बीज है, सारे सीड को करी पत्ता के साथ और सहजन के पत्ता, सहजन जानते होंगे, मोरिंगा पत्ती, उसको भूनिए। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि लगाने से ज़्यादा फायदा खाना करता है। आप अगर 2 चम्मच पाउडर करी पत्ता और इस कलौंजी मेथी, इसके सब चिया सीड का खाना शुरू करेंगे ना, आपको 15 दिन के अंदर रिजल्ट ना मिल जाए तो मैं अपना नाम बदल दूँगी। ये देखिए, ये भून के तैयार हो चुका है, बिल्कुल आपको ऐसे ही भूनना है, ठीक है। करी पत्ता भी भून चुका है, अभी मैं तोड़ के दिखाऊंगी, एकदम देखिए, एकदम ये देखिए टूट के एकदम पाउडर बन रहा है। अगर इसको छाही में सुखाना चाहते हैं तो करी पत्ता को छाही में सुखा करके भी रख लीजिए, तो आपको भूनना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अचानक कोई वीडियो बनानी होती तो मैं भूनती हूँ। अब देखिए, इस पीस करके एक पाउडर बन गया, मैजिकल पाउडर, बालों के लिए बाहुबली है, बाहुबली का काम करेगा ये भैया, गजब का दोस्तों। इसको इस तरह से बना के, जैसे कि छोटा बच्चा है ना, जब छोटे बच्चों को लगा रहे हैं, बस खाली एक चीज़ आपको हटानी है, लौंग, लौंग को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि उनके बहुत कोमल होता है ना, उनका सर बहुत कोमल होता है। और दोस्तों आप अपने बच्चों को भी इसी तरह का तेल, जैसे टीनेज में बच्चों के बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, आप उनके बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अब देखिए, इस पाउडर को निकालिए एक चम्मच, दो तरीके से बताऊंगी। जो पहला तरीका है मुझे बहुत पसंद है, पानी मिलाइए इसमें, ठीक है। अब ये जब पाउडर मतलब पानी में मिला करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए 5 मिनट के लिए, उसके बाद कॉटन लीजिए, मतलब रुई ले लीजिए, उसके बाद आप अपने मांगों के जड़ों में इस पानी से
अपने जड़ों में ये पानी लगाइए, क्या कमाल का रिजल्ट करेगा। और सो जाइए, रात भर के लिए आपको लगाना है, घंटे दो घंटे में नहीं छोड़ना है। थोड़ी देर बाद देखेंगे ना तो आपके बाल एकदम सूख चुके होंगे। कंघी कर लीजिए, कुछ पता ही नहीं चलेगा, बाल भी ऊपर से पूरे काले लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये एकदम हेयर ग्रोथ टॉनिक है और बालों को काला करने के लिए है। दूसरी चीज़ बताऊंगी कि मतलब किस तरह से आप उसको मतलब एक डाई की तरह लगाएं, नेचुरल डाई बनाइए उसका, ठीक है। उसको बच्चों को भी लगाइए, ये बच्चों को भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए, स्कूल भी जा सकते हैं, कॉलेज भी जा सकते हैं, और बाल उनके धीमे धीमे काले भी लगेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, आप मेरे कहने से एक बार जरूर करके देखिए। प्लीज़ दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें, पता तो चले कि काम कैसा कर रहे हैं। और प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये दूसरा तीर बता रही हूँ, वही पाउडर लीजिए। आपको इस पाउडर में नारियल तेल डाल देना है, नारियल तेल डालिए या सरसों तेल डालिए। सरसों डाले हुए हैं ना इसमें, मैंने सरसों डाला है इसलिए मैं सरसों का तेल इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब इसको इस तरह से मिलाइए, मिलाने के बाद दोस्तों इसको अपने बालों के जड़ों में, जड़ में, बाल में जरूरी नहीं है, बच्चों को बैठाइए और उनके बालों में ये तेल लगा दीजिए, बिल्कुल चंपी करिए और थोड़ा सा मसाज करिए, अपने बालों में भी लगाइए। अगर बच्चों के बाल में शुरुआत से ऐसी चीज़ें लग रही हैं तो 40 साल तक उनके बाल सफ़ेद होने ही नहीं पाएंगे, जो 14 से 18 साल की उम्र में बाल को सफ़ेद ले घूम रहे हैं। ना तो दाल खानी है, ना तो सब्जी खानी है, तो बाल तो सफ़ेद होंगे ही होंगे। दो तरीके से मैंने बताया है, दोनों तरीका आप फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों, आपके बाल काले जरूर होंगे। देखिए मेरे बाल, देखो हर कलर का सफ़ेद हो रहे हैं ना, सारे सफ़ेद हो जाते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, यही लगाती हूँ, यही लगा के ठोकूंगी, सारे जड़ों में ये पानी पी जाएगा पूरा, ठीक है, अंदर जाएगा। जो बाल कमजोर हो रहे हैं, पतले हो चुके हैं, उनको मजबूत करने का ये पावरफुल टॉनिक करेगा। जब भी धोइएगा बाल, दूसरे दिन ही धोइएगा, उस दिन बाल बिल्कुल मत धोइएगा दोस्तों, जो कुछ है आपके रोम क्षेत्र के अंदर जाए, और अच्छा टॉनिक, भोजन, पोषण उनको मिलना चाहिए, तभी काम करेगा।